कर दी रिकॉर्डिंग। नेशनल एंकर टू। पठानकोट के हल्का सुजानपुर के इंटरस्टेट नाके माधोपुर पर बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्थल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और भाजपा नेता है कि स्थल पर आकर अपनी फोटो खिंचवा व रोटी सेक निकाल। बता दें कि यह वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने एकता व अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था। वे जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो के लिए यहां 5 मई 1953 में गिरफ्तारी भी दी थी। यहां यह भी बता दें कि अगर आज़ादी के बाद कोई पहला शहीद हुआ था तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यहां यह भी बता दें कि भाजपा पार्टी ने माधोपुर में इसके नाम का स्थल बनवाया हुआ है। यहाँ हर साल इनके बलिदान दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए मनाया जाता है। आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, जिसे मनाने के लिए पठानकोट की पूरी लीडरशिप, जिसमें पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री मास्टर मोहनलाल, पूर्व डिप्टी स्पीकर एवं मौजूदा विधायक दिनेश सिंह बब्बू सुजानपुर, पूर्व विधायक सीमा देवी हल्का भोया पहुँची थी और इस लीडरशिप ने यह नहीं देखा कि स्थल की हालत क्या है और सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाई और चलते बने। बता दें कि यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्थल 2013 में बना था, जब पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार थी। वह जिस हलके में यह स्थल बना है उस हलके के विधायक दिनेश सिंह बब्बू डिप्टी स्पीकर भी थे, लेकिन जब से यह स्थल बना है किसी ने फिर इस स्थल की ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों की माने जब यह स्थल बना था तो बहुत सुंदर था, यहाँ रंग बिरंगी लाइटें, पानी वाले फुहारे चलते थे, पर कुछ ही दिनों बाद ना तो यहाँ लाइटें चली और ना ही पानी वाले फुहारे। कहा जाता है कि बिजली का कनेक्शन ही यहां से कट कर दिया गया है और अब तो हालात यह बन गए हैं कि स्थल के चारों ओर गंदगी फैल गई है। यहां तक कि कमरे के अंदर लगी श्यामा प्रसाद की याद दिलाने वाली फोटो भी खराब हो चुकी है। वहीं अगर बात करें यहां रखे हुए सफाई कर्मचारियों की तो वह भी अपना रोना रोते हुए दिखाई दिए। सफाई कर्मचारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब यह स्थल बना था तब उन्हें सफाई व इसकी देखरेख के लिए रखा गया था, पर उन्हें सिर्फ 1-2 बार उनकी सैलरी मिली, इसके बाद उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हर साल यह नेता लोग बलिदान दिवस मनाने यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवा अपनी झूठ की राजनीति कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस ओर किसी ने ध्यान नहीं देना था तो इस स्थल को बनाया ही क्यों। उधर जब इस मामले संबंधी जिला प्रधान भाजपा विजय शर्मा से बात की गई तो उन्होंने माना कि सही में इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इस स्थल की हालत खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द इस ओर ध्यान देंगे और सफाई कर्मचारियों की सैलरी भी दिलवाएंगे। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरामैन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। 2013 को मेरी तनख्वाह बंद हुई है, मैं प्रशासन यही बेनती करना कि 2013 तो बहुत सानू बकाया दिता जा सके। ये जो पार्क बनी है ना, ये मेरे हाथों में बनी है, हूँ इन्नी मरम्मती कराने वाली है कोई इधर दिखता नहीं। जो कोई प्रोग्राम होता है तो जेड़ा भी आता इतना झूठ बोलना आता। हाँ जी, साड़ी 2013 की तनखा जी डकोई दी है, अज दें कल दें, अज दें कल दें, अज तक नहीं दी। रिपेयर यदि सारी करने वाली है, जिले पार्क बनी है उसे पार्क ही दुनिया देखने वास्ते आती, बत्तियां फुहारे सब चलता, मीटर जड़ा है 32 साल हो गया कटोए, बिल नहीं दिते गए, तो बेकार है जंगल चढ़ेगा। एक और पार्क थोड़ी है, ये मजाक है। जे इस बंदे जाना ने मतलब भी सामभ नहीं कर रही तो की लोड़ ही मजाक बना के लुटन वास्ते पार्क बनाई ही है। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਦੀ 3500, ਕਦੀ 3000। ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इस तरह है कि मैनू जिला प्रधान बने 4-5 महीने हुए हाले, एक उस तो बनने के बाद यकदम लॉकडाउन लग गया, 3 महीने तो लॉकडाउन ही चल रहा है। अज जिस तरह मैं पहले दस्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी संस्थापक जनसंघ के जिन्होंने परमिट सिस्टम तोड़िया ही, उन्होंने अज पुण्यतिथि है। असी सब लोग उन्हों का जो स्मारक बनया उन्होंने श्रद्धा सुमन फुल चढ़ाने वास्ते आए।
इत्थे आके देखिया भी ठीक है लॉकडाउन की वजह नाल जां किसी होर कारण सफाई होने वाली सफाई नहीं हो पाई। इत्थे दो इत्थे जगदीश जी और दविंदर जी है, इन्होंने भी यह दस्या भी सानू इत्थे रखिया गया सीगा उस वेले इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों, तो 13 तो बाद तनखा नहीं मिली है, ठीक है ना। और ये भी कुछ देर तो मेरे ख्याल हूँ इतने नहीं होंगे, ठीक है ना। सच्ची गल तो यही है, इन्हों का कहना जो इन्हें कहता ये कह सकते ना, असं कुछ नहीं कह सकते, मूँह नहीं बंद कर सकते, लेकिन कुछ देर तो नहीं है। जगदीश और इतने नाल ही घराट है, ये अपने घराट तो होंगे है, लेकिन थोड़ा बहुत इतने भी ख्याल रखते हैं। हाँ, हूँ असी भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द इस स्मारक को रजिस्टर्ड करा जा रही है। जिन्हें तक बाडी को रजिस्टर्ड नहीं होगी उन्नी तक सरकार तो मैं समझना किसी MP तो भी फंड मिलना मुश्किल है। सरकारी पैसा ठीक तरीके नहीं मिलता, जिस वेले भी कोई सानू फंड्स मिलेंगे, एक तो अज तो असी जिस तरह ने कहा भी सब लोग गल्लां करके चले जाते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम है। असी अज इस ध्यान लिया आया भी है साढ़े ध्यान च भी इतने सफाई इमीजिएट बहुत जरूरत है। कल तो ही इतने दो बंदे लगनगे, मैं दविंदर जी ने कहा भी दो व्यक्ति लगा दो, पैसे असी देंगे दिहाड़ी बनाते, इसकी सफाई की व्यवस्था करिए, घास फूस ठीक साफ सूफ कर दईए, और बिजली का कनैक्शन पानी का, बिजली चलेगी तो पानी भी चल पेगा, बिजली बंद है वह भी पता कर लिया भी आउटस्टैंडिंग किन्ना बिल है, वो पैसे देंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी असं बिल्कुल देख रेख ठीक तरीके रख रहे हैं। लॉकडाउन की वजह नाल इतने गंद पिया है, कमरे बंद है, जाले लगे है, फोटो भी खराब हो गई हैं, तो खुला ही रहे तो अच्छा रहा, सफाई रही है। ये लॉकडाउन की वजह नाल बहुत होया, अज भी असं ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते इतने, नहीं तो जिन्हें लोग आए 100 बंदा होर सद तो हथों हाथी सारी सफाई हो जाने सी, लेकिन कुछ व्यवस्था होंगे तो उसके लिए असी जिन्ना काम अच्छ करना सी किया, सफाई असी बहुत जल्द करा रहे हैं। जिस वेले पैसे आए ये जो गरीब लोग मजदूर ने जिन्होंने इतने काम किया, मैं प्रयास करांगा कि इन्हें पिछले पैसे भी दवाए जाएंगे। धन्यवाद।